रहे हैं जहां स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद और विधायकों को लिखा है पत्र। आपको बता दें सीएचसी और पीएचसी को गोद लेने की अपील की गई है, जहां अस्पतालों में सांसद और विधायक निधि से काम कराने की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद और विधायकों को पत्र लिखा है जिनमें उनसे सीएचसी और पीएचसी को गोद लेने की अपील की गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पतालों में सांसद और विधायक निधि से काम करने की भी उन्होंने अपील की है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री का एक पत्र सामने आया है जहां उन्होंने सांसद और विधायकों को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सीएचसी और पीएचसी को गोद लेने की अपील की है। आपको बता दें कि वहीं उन्होंने अस्पतालों में सांसद और विधायक निधि से काम कराने की भी अपील की है। तो लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद और विधायकों को पत्र लिखा है जिसमें सीएचसी और पीएचसी को गोद लेने की अपील की गई है। अस्पतालों में सांसद और विधायक निधि से काम कराने की भी उन्होंने अपील की है। प्रदेश में लगातार सीएचसी और पीएचसी को लेकर चिंता का विषय बना हुआ था। लगातार स्वास्थ्य केंद्रों के खस्ता हाल को देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया है, जिसमें उन्होंने इन अस्पतालों का संज्ञान लेते हुए सांसद और विधायकों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सांसद और विधायकों से अपील की है कि वह सीएचसी और पीएचसी को गोद लें। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की है कि जितने भी सांसद और विधायक हैं वो अपनी सांसद और विधायक निधि से काम कराएं। वही लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज से गांव-गांव टीकाकरण महाअभियान का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। वही जुलाई माह से टीकाकरण महाअभियान शुरू किया जाएगा, जिसका आज ट्रायल किया जा रहा है। पहले 3 दिन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जुलाई से हर दिन 10 लाख लोगों को टीकाकरण मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको टीकाकरण से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज से गांव-गांव में टीकाकरण महाअभियान का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि जुलाई माह से टीकाकरण का महाअभियान शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पहले 3 दिन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जुलाई से हर दिन 10 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त टीकाकरण बहुत जोरों के साथ चल रहा है। आपको बता दें कि टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आज से टीकाकरण महाअभियान ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। वहीं जालौन से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट देखने को मिली है, जहां महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आटा थाना के करमेर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जालौन से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मामूली बात को लेकर किस प्रकार से दो पक्षों में मारपीट देखी गई है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं एक दूसरे पर लाठियां बांस रही हैं। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। आटा थाना के करमेर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस प्रकार से महिलाएं एक दूसरे पर लाठियां बरसाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जालौन में मामूली बात पर यह विवाद छिड़ गया, जिसके बाद दो पक्षों की महिलाएं इस प्रकार से एक दूसरे पर टूट पड़ी और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। आटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाईं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला करमेर गांव का बताया जा रहा है। वहीं इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर में हुई है चोरी। घर से 50 लाख के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। वहीं देर रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बंथरा थाना क्षेत्र के हरौनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद उन्होंने घर से 50 लाख के जेवर और नकदी चोरी कर ली है। आपको बता दें कि चोरों ने यह पूरी घटना देर रात
अंजाम दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बंतरा थाना क्षेत्र के हरौनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां चोरों ने घर से 50 लाख के जेवर और नकदी को चोरी कर लिया है। वहीं बता दें कि चोरों ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां चमोली जिले में बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाली कई लिंक मोटर मार्ग खराब गुणवत्ता के कारण भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा भर गया है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों के साथ साथ बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं की प्रसूति के लिए भी पैदल चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में पीएमजीएस वाइक कर्णप्रयाग के ईईबीएन गोदियाल का कहना है कि बरसात के मौसम में बंद सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों के लिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद अब मशीनों का अधिग्रहण कर दिया गया है। जिले में जहां जहां सड़कें बंद हैं, उन साइटों पर जेसीबी मशीनें सड़कों को खोदने के लिए भेजी जा रही हैं। हमारे गांव की सड़क पिछले दो हफ्तों से मलबा आने के कारण बंद पड़ी है। विभाग के अधिकारियों से कई बार कहने पर भी अभी तक सड़क नहीं खोली गई। गांव के लोगों को और रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव के में कई दिन से कैंप लगाकर ग्रामीणों की कोविड जांच की जा रही है। इस जांच में गांव की दो आशाओं समेत 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन गांव की महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा झूठी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। बता दें कि आरोप लगाते हुए जांच टीम के लोगों को धक्का मुक्की देते हुए उनके साथ अभद्रता भी की गई है और लाठी डंडों से हमला करने का प्रयास भी किया गया। जांच टीम ने गांव से भागकर अपनी किसी तरह जान बचाई। फिलहाल इस पूरे मामले में एसडीएम ने कोविड जांच के लिए ग्रामीणों से सहयोग मांगा है। कोरोना को ले चलते के चलते हुए लोगों की घबराहट समझ में आती है, लेकिन एक बार मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। प्रशासन आपके साथ है, स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है, और आज भी हमने जाके पूरे क्षेत्र में निरीक्षण किया और लोगों से ये अपील करी है कि कृपया स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग करें। हम मैक्सिमम सैंपलिंग करवाना चाहते हैं। उधम सिंह नगर के लालकुआं नगर पंचायत प्रशासन के ठेकेदार के माध्यम से बनवाई गई सड़क 3 माह में खराब हो गई। घटिया निर्माण सामग्री के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं लोगों की शिकायत के बाद ईओ और जेई ने सड़क का जब निरीक्षण किया तो वह निर्माण देखकर दंग रह गए। ईओ ने ठेकेदार को दोबारा सड़क का निर्माण कराने का निर्देश दिया। इस दौरान वार्ड वासियों की ठेकेदार से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त सड़क की जांच की जाए और दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए हैं। आपके और आपके वार्ड के लोगों द्वारा जो शिकायत दी थी ना, रोड के ऊपर से कंकड़ टाइप का आ रहा है, उसी को देखने के लिए मैं अपने जेई को लेके आई थी, क्योंकि टेक्निकल ये है और ठेकेदार भी आया है। तो हमने कहा कि जो जिस आधे रोड में तो आधे से अधिक में तो ठीक है रोड, आधे से कम है जो इंटर कॉलेज की गेट की तरफ कंकड़ ऊपर से आ रहा है। तो मैंने ठेकेदार से कहा इसका हम कोई पेमेंट नहीं होगी, आप पहले की जो पेमेंट हो रखा है उसी में से ठेकेदार रिपेयर करके देगा, जो भी कमी होगी पूरा सही से करेगा। और जो आप लोगों ने नालियों के लिए कहा, नाली उसमें एस्टीमेट में नहीं था, जेई के द्वारा बताया जा रहा, नाली भी हम एस्टीमेट। रुड़की में विकास कार्यों को लेकर गंभीर नजर आने वाले विधायक देशराज कर्णवाल ने डेलना गांव में 4 गांव को जोड़ने वाली 45 लाख कीमत से बनने वाली लगभग 4 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वह निर्वाचित होकर आए थे तो उनके क्षेत्र में उन्हें सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे मिले थे। उन्होंने तभी प्रण लिया था कि यहां वह दोबारा विधायक रहें या ना रहें, लेकिन इस विधानसभा को वह गड्ढा मुक्त करके ही दम लेंगे। सड़कें मैंने पास कराई है, इनका उद्घाटन जल्दी ही होगा। 5 सड़कें मुझे मुख्यमंत्री जी ने और दी है, 9 सड़कें हो गई, और उसके बाद राज्य योजना से, जिला योजना से और भी सड़कें मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूं। मेरी विधानसभा में जो एक मुख्य सड़क रह गई है ये है आपकी माधोपुर वाली सड़क।
सिर्फ वो बाकी रहेगी और कोई रहेगी नहीं। अभी भी समय है मेरे पास, मैं उसे भी कराऊंगा, लेकिन एक सड़क है जिस पे मैं कह सकता हूं कि वो रह भी सकती है, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी ना रहे तो मेरा संपूर्ण विकास जो है मेरी विधानसभा। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 80 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि कोतवाली प्रभारी संजय कुमार और वरिष्ठ उप निरीक्षक रोहताश कुमार सागर अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 80 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। देखिए, हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार नशे के विरुद्ध अभियान के तहत हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हुई हैं और हमारी टीमें उसमें लगातार काम कर रही हैं। आज भी हमने एक व्यक्ति को वन विभाग डिपो नंबर 5 के पास से 80 नशीले इंजेक्शनों के साथ हमने उसको गिरफ्तार किया है और उसको अब हम उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऋषिकेश के मायाकुंड क्षेत्र में नमामि गंगे द्वारा चल रहे सीवरेज स्टेशन प्लांट में कंट्रेक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही का आलम यह है कि प्रोजेक्ट के तहत 20 फुट गहरी खुदाई कर गड्ढा लंबे समय तक छोड़ दिया गया, जिसके चलते गहरा गड्ढा लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। वहीं इसको लेकर वहां पर स्थित मकानों में भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने गहरे आक्रोश का माहौल है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने शमशान घाट समीप जंगल से 3 युवकों को 2 बंदूक और 1 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि अवैध हथियारों को लेकर आए दिन शिकायतें मिलती थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया था। हमको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कोई यहाँ अवैध असलों के साथ यहाँ लोग रहते हैं और किसी क्राइम की करने की फिराक में। इस सूचना पर जब हमारे द्वारा एक टीम लगाई गई, टीम को कल शाम सूचना मिली लेट आवर में कि 3 लोग हैं जो बाइक पे हैं और वो शमशान घाट के पास असलों के साथ हैं और किसी बड़ी घटना करने की फिराक में। इस सूचना पर हमारी टीम ने वहाँ घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद उन लड़कों को पकड़ा। तीनों लड़कों के पास से 2 12 बोर की बंदूकें, 1 315 बोर का तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाए और नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें 3 लोग बेसिकली मिले हैं, जिनमें एक सूरज नाम का लड़का है, ये पंतनगर का रहने वाला है, एक गंगा है और एक प्रताप, ये हमारे बिंदुकत्ता का रहने वाला। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों में निमोनिया संक्रमण के रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। टीकाकरण की शुरुआत नवजात को टीका लगाकर की गई। आपको बता दें कि बच्चों में निमोनिया संक्रमण को रोकने के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान बताया कि ये टीका बच्चों को निमोनिया जैसी घातक बीमारी से बचाने में कारगर साबित होगा। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि कोरोना के बाद अब बच्चों में पनप रहे संक्रमण और निमोनिया से इस टीके द्वारा बच्चों को बचाया जा सकता है। यह टीका 3 चरणों में लगाया जाएगा। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो छोटे बच्चों को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को और 45 दिन से ऊपर के बच्चों को लगाई जाती है, आज की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और निश्चित रूप से संक्रमण को रोकने के लिए, लंग्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह कारगर सिद्ध होगी। और यहाँ पर सभी को, जो छोटे 45 दिन से ऊपर के जो नवजात शिशु हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा और 1 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। इन्फेक्शन को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है, कारगर है। आज इस हॉस्पिटल में इसकी हमने शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के इसको ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत है। प्रचार भी होना चाहिए, प्रसार भी होना चाहिए और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आइए, ये कल रात को ही आई है, पूरे उत्तराखंड में आज ही के दिन लॉन्च होनी है जिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आप जैसे नाम सुना होगा निमोनिया, आमतौर पर लोग कहते हैं बच्चे को निमोनिया हो गया है, तो ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है।
इसमें छोटे बच्चों को जुकाम, खांसी, बुखार, पसलियाँ चलना, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो उसके बचाव के लिए ये नियमित टीकाकरण जो हम करते हैं बच्चों का, BCG, GPT, पोलियो नाम सुना होगा आपने, उसके साथ ही बच्चों को लगाया जाएगा 1.5 महीने पे पेंटावेलेंट डोज के साथ। तो 1 साल के अंदर 3 डोज लगाई जाएंगी आपको, तो बच्चों को इस संक्रमण से रोकेगा। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर में दबंगों ने विधवा महिला के खेत से पेड़ काट लिया। आपको बता दें कि मामला थाना बहादुराबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर का बताया जा रहा है, जहां एक विधवा महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला का आरोप है कि मेरी जमीन जायदाद तो मेरे नाम है और गांव के ही कुछ लोग मेरी जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। महिला का यह भी आरोप है कि मेरी जमीन में जो पेड़ लगे हुए थे उनको दबंगों ने बिना अनुमति के ही रात को कटवा दिया, और जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं मौके पर बहादुराबाद पुलिस पहुंची और ठेकेदार और दबंग लोग कटे हुए पेड़ों से लदी ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गए। बता दें कि महिला ने यह भी बताया है कि दबंग लोग अकेला समझकर उसे डराते धमकाते हैं और जमीन हड़पने के चक्कर में कई बार उसे धमकी भी दे चुके हैं। विजय आनंद और उसकी पत्नी रीना देवी और ठेकेदार जाहिद ने मिलकर ये इस समस्त पेड़ों का ठेका करा। आपस में लगभग 2 लाख रुपए के आसपास इन्होंने ठेका करा और सुबह 4 बजे इन्होंने ही पेड़ काट दिए, जिसकी जब 10 बजे की हमें सूचना मिली अगल बगल वालों से कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं आपके, तो हमने मौके पर आके देखा और मौके पर आने के बाद में देखा ये सारे पेड़ कटे पड़े हैं। इसकी सूचना हमने पुलिस थाने में लिखित में दी है जाहिद के खिलाफ कि आप पेड़ काटे, क्योंकि आप मौके पर मिले हैं। और बाद में बाबूलाल और रीना देवी दोनों आई, जब हमने इसका विरोध किया तो रीना देवी और बाबूलाल अभिजय आनंद ये तीनों माता जी को हाथ पड़े खेत से बाहर निकाले और इनको मारा, इन्होंने पकड़ के मारा, गन्ने में पकड़ के ले गन्ने में पकड़ के मारा। और मैं खेत में अधिकारी के पास आई थी, उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। किस मामले में लेकर आई थी? खेत के मामले में लेके आई थी, और क्यों थे मेरे पेड़ चोरी से काट लिए। मैं खेत में जाती मुझे मारपीट के गुंडागर्दी करके बाहर निकालते थे, फसल बहुत ही फसल भी काट लेते हैं, मुझे गन्ने में खींच के लेके मुझे मार। खबर काशीपुर के कुंडा क्षेत्र से है, जहां 4 बच्चों की मां के इश्क में एक युवक ऐसा फंसा कि हत्या करने के जघन्य अपराध की वारदात को उसने अंजाम दे दिया और उसके प्यार के बीच में आने वाले पति के बड़े भाई को उसने मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपी युवक विवाहिता से इश्क करता था, युवक ने अपने प्यार को पाने की चाह में खून कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों ने थाने में महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई, जिस पर पुलिस ने जांच में इस बात की पुष्टि की और दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया। ये जो मृतक है उसके छोटा भाई जो है उसकी ये घरवाली है। इसे शादी जो है छोटे भाई से इसके तकरीबन 12 साल शादी को हो गए थे। इसके 4 बच्चे भी हैं। ये जो लेडी है सविता देवी, इसका प्रेम प्रसंग गांव का ही जो एक लड़का है जो कि इसके रिश्ते में गांव के नाते तहरे भाई इसका लड़का है, उसके साथ इसका तकरीबन 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मृतक और तथा इसके जो लेडी है उसके पति को भी थी, तो लेडी के पति के द्वारा और जो मृतक चंद्रपाल है इसके द्वारा बार बार इसको टोका जाता था। 1-2 बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा गया था। तो मृतक के द्वारा टोका टाकी की गई क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी, उनके द्वारा इस लेडी को भी और मंजीत को काफ़ी समझाया गया, बातचीत भी की गई और कहासुनी भी हुई इनकी 1-2 बार। तो जब अभी आपने देखा कि लॉकडाउन लग गया था उस दौरान इनका मिलना जुलना कुछ कम हो गया, तो अभी 13 तारीख को सविता देवी और मंजीत यहाँ से भागकर मुरादाबाद चले गए और इनकी जो है वहाँ जाकर शादी करने की योजना थी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे वहाँ की GRP पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है फिर बताया गया कि हम यहाँ घूमने आए हैं, अपने किसी रिश्तेदार से इनके द्वारा बात करवा दी गई। पुलिस को जब क्या कि इनकी बातों पर यकीन हुआ तो उनके द्वारा इनको छोड़ दिया गया। फिर ये लोग वापस आ गए 14 तारीख को। यहाँ वापसी में सविता देवी ने इसको उकसाया मंजीत को कि मैं ही बार बार मार खाती रहती हूँ, गाली गलौज भी सुनती रहती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सारी बातें की गई और इसको उकसाया गया कि तुम ये जो चंद्रपाल है इसको किसी तरीके से रास्ते से हटा दो। मानसून की दस्तक से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश तहसील अंतर्गत आने वाले सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है, जिनमें से कई व्यवस्थाएं
दुरुस्त की जा चुकी है और शेष बची व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल हमने दो दिन पहले ही इस पे समीक्षा बैठक भी रखी थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जो हैं उन्होंने भी समीक्षा की थी, तो उसके क्रम में चिन्हीकरण किया गया है ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पे प्रभावित आपदा जब आती है, बाढ़ आती है, तो प्रभावित होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो उन क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने जो हमारे बाढ़ चौकी है उसको ठीक किया है। इसके अतिरिक्त ऐसी जगहों को चिन्हीकरण किया गया है जहाँ पे अगर बाढ़ के समय हमें किसी को पुनर्वासित करना पड़े तो वहाँ पे हम लोग अस्थायी व्यवस्था में उनको लोग। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।